भाई साहब जिंदगी बड़ी अजीब है, तेज भागे तो अपनों का साथ छूटेगा, धीरे चले तो अपने ही साथ छोड़ आगे निकल जाएंगे, इसलिए रफ्तार का संतुलन बनाए रखो। अक्सर लोग पूछते हैं कि खान सर कौन है, इसका एक ही जवाब दूंगा, मेरी जाति और धर्म मेरा निजी मामला है, मेरी एक ही पहचान उजागर करूंगा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। देखिए 97% लोग एक पॉइंट पर आकर हार मान लेते हैं और बाकी बचे 3% लोगों के लिए काम करते हैं, या 3% वह है जो कभी हार नहीं मानते। अब अपनी राह आपको खुद चुननी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि फीस के नाम पर इतना कम पैसा क्यों लेते हैं। अब बच्चों का प्यार ही इतना ज़्यादा है कि कम पैसा भी कभी कभी ज़्यादा लगने लगता है। इंसान बोलना तो साल भर में सीख जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कहां पर क्या बोलना है यह सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। मैंने 107 करोड़ देने वाली कंपनी को मना केवल इसलिए कर दिया था ताकि 200 रुपए वाली फीस 2000 तक ना पहुंचे। शिक्षा देने का कार्य उन्हीं को करना चाहिए जो इस कार्य को ईमानदारी से निभाने के लिए दृढ़ है। एजुकेशन जॉब को पैसे कमाने के अवसर की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। खुद के लिए और परिवार के लिए तो सब सोचते हैं, इससे आगे बढ़कर देश के लिए सोचना चाहिए। आपके कार्यों में समूचे मानव समाज को लाभ होने चाहिए। दूसरों की समस्या से केवल साहस लेना संभव है, उनका तरीका अपना लेना मुश्किल होगा। पहाड़ों से निकलने वाली नदी समुन्दर की दूरी का प्रलाप नहीं करती कि कितना दूर है, तो हम मुश्किलों से हार क्यों मान ले। एक बात नोट कर लो कि दुनिया का वसूल है कि पूछते खैरियत है, लेकिन इरादा तो बस आपकी हैसियत जानने का होता है। आज किताबों के दीवाने बन जाओ, कल दुनिया आपकी दीवानी होगी, इस तथ्य का गवाह इतिहास है। यह दुख यह दर्द सब तेरे अंदर है, तू बनाए अपने इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। एक जमाने में भारत विश्व गुरु माना जाता था, हमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हासिल करके एक दिन वही मुकाम हासिल करना है। पढ़े लिखे की एक ऐसी सेना तैयार करनी है जो तलवार से नहीं कलम से लड़ने में माहिर हो। लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है उस एक रुपए के आगे जो माँ स्कूल जाते वक्त देती थी। गौर से देखा करो, माँ बाप के आंखों में ये वो आईने होते हैं जिसमें कभी बच्चे बूढ़े नहीं होते। खुद की और दूसरों की क्षमता में बड़ा अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि जो कार्य अगला व्यक्ति निरंतर कर सके वह आप भी कर लेंगे। अपनी क्षमता को पहचानो और उसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करो, यह आदत निराशा और तनाव से दूर रखेगी। मेरे साथ एक घटना घटी, घर जाने के लिए 90 रुपए चाहिए थे, जेब में बस 40 रुपए ही बचे थे, पीछे जाने का रास्ता ही नहीं था और घबरा जाने से क्या होता, और कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी तो ताला खुल जाता है, इसी यकीन के साथ डटा रहा। अरे निर्णय लेने से पहले स्वयं द्वारा अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो समय रहते गियर चेंज कर लेता है। यह बात तो सत्य है, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। विवादों से मैं कतराता नहीं हूँ, बचपन में मैं फौज में जाने का सपना था और एक फौजी की आदत रहती है जो करना है वो कर देता है। 24 घंटे तो सबके पास हैं, कोई किसी का पति बनने का सपना पालेगा और कोई मेहनत करके करोड़पति बनने का ख्वाब सजाएगा। राजा बनने का शौक है ना, तो गुलामों के जैसे मेहनत करनी होगी। आलसी और कर्मठ लोगों की अलग अलग खासियत है। आराम पसंद व्यक्ति काम खत्म होने की राह देखेगा, प्रवृत्तिशील व्यक्ति को हमेशा नया कार्य आरंभ करने की ललक रहती है। लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत पिटोगे, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है और इसको जो प्यार समझा वो तो बिल्कुल गधा है। समय के पास भी उतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। निर्णय लेने में वक्त न लगाओ, वरना वक्त आपके लिए फैसला ले लेगा। अगर कंगारू को देखकर हाथी छलांग मारेगा तो पैर तो तुड़वा बैठेगा ना। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि मुझे डर लगता है क्या, अब इन्हें क्या बताऊं, प्रोफेशन से तो टीचर हूं और मन से एक फौजी हूं। इंसान के दिमाग की फितरत है आराम खोजना, लेकिन आपका कर्तव्य है उसे कार्यशील बने रहने के लिए मोटिवेट करना। जब माइंड कहे आराम के बाद काम, तब आप कहो पहले काम फिर मिलेगा आराम। भीड़ में अपना प्रश्न पूछने से हिचकिचाने वाले अंतर्मुखी विद्यार्थी से कहना चाहूंगा कि जब तुम्हारा डाउट बचेगा तभी ना सवाल पूछोगे।
जब तूफान ज्यादा हो जाए तो कश्ती डूब जाती है, और जब घमंड ज्यादा हो जाए तो हस्ती डूब जाती है। हर पतंग को यह पता होता है कि उसका अंत कचरे में होगा, पर उससे पहले उसे आसमान छू कर दिखाना होता है। जितना मेहनताना लेता हूँ उससे दोगुना या चार गुना मोल देने की नीयत रखता हूँ। आज जो कुछ भी हासिल किया है शायद इसी का नतीजा है। ये सभी मोटिवेशन विचार खान सर जी के हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।